मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को आरंग में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आरंग में आयोजित कार्यक्रम में पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास भवन आरंग, प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास भवन आरंग एवं मंदिर हसौद तथा अनुसूचित जाति कन्या आश्रम भवन आरंग एवं ओसरंगी का लोकार्पण किया। पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास सारंग, प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मंदिर हसोद, अनुसूचित जाति कन्या आश्रम आरंग, अनुसूचित जाति कन्या आश्रम कोसरंगी और प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास सारंग, ये 5 ठन भवन के हमन लोकार्पण करे हन। तो ये अवसर में मैं हमर बेटी बन के बहुत बहुत बधाई देत हूँ, धन्यवाद देत हूँ, मतलब शुभकामना देत हूँ कि उमन के लिए के अच्छा पक्का के छात्रावास उपलब्ध होते और मोला पूरा विश्वास है कि उमे रह के निश्चित रूप से उमन के पढ़ाई में ज्यादा मन लगही, उमन ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करही और अमन अपन अपन माता पिता के साथ साथ हमार छत्तीसगढ़ के नाम ला भी रोशन करही। हमर विधायक जिला भी सुने हा, पूरा अपन क्षेत्र के समस्या मल्ला राखीन है और अभी हमर सरकार ला मात्र 7 महीना हुई से, ये 8वां महीना चलत है, लेकिन अपन खुद बताई नहीं कि 7 महीना में 17 करोड़ रुपया सरकार से मिल चुके हैं एक विधानसभा पर, और कौन कौन काम पर मिले हैं सब लाओ पढ़ीन है। तो ऐसा ये छत्तीसगढ़ के सरकार विकास करने वाला सरकार है और सब मांग बहुत राखीन है और सब काम ला एक साथ तो पूरा करना संभव नहीं है, लेकिन मैं आज आए हूं आप मन के बीच में आरंग विधानसभा क्षेत्र में। तो एक तो शासकीय महाविद्यालय सेक्टर 28 नवा गांव के भूमि आवंटन बरोमन आग्रह करीन है, तो ये भूमि आवंटन के मैं घोषणा करत हूं। एक माइनर नली वितरक शाखा क्रमांक 1 कोड़ाबार ग्रसोटा केसला धोरा भाटा तुलसी माइनर नाली निर्माण एवं जीर्णोद्धार किए जाने की भी मांग करीन है और एक लिए शायद वो क्षेत्र के हमर लोगन मन लोकसभा के चुनाव में चुनाव के बहिष्कार भी करना चाहत रहीन, बाद में नहीं करीन, तो ये काम के भी मैं घोषणा करत हूं। और एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय में पदस्थ अधिकारी मन के लिए आवास के भी निर्माण होकर भी मैं घोषणा करत हूं। और आरंग के नवीन विश्राम गृह एकर विस्तार के लिए भी मैं घोषणा करत हूं, ओकर भी विस्तार हो ही। और बाकी और बहुत सारा मांग है, पर्यटन स्थल घोषित करे, सेंट्रल लाइब्रेरी और ट्रेन के स्टॉपेज वगैरह, ये सब काम ला हमन धीरे धीरे करबो है कि नहीं। अभी तो 5 साल आपन हमला सरकार में बैठाए हो ना, तो धीरे धीरे सब काम आप मन के जो है विधानसभा के वो सब काम लेके करके करबो, विश्वास है कि नहीं, विश्वास है ना। आपन छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर में विश्वास करो, आपन के विधायक के ऊपर में विश्वास करो, गुरु खुशवंत साहेब के ऊपर में आपन के सब काम हर हो ही। और आज हमर सरकार बहुत काम 7 महीना में करी से, लेकिन चूंकि आज छात्रावास के लोकार्पण के कार्यक्रम में हमन आए हन, तो आज मैं थोड़ा शिक्षा के बात करूं। शिक्षा के लिए हमर विद्वान मन कहीं नहीं कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, मनुष्य के जीवन में शिक्षा के बहुत महत्व है। किसी भी क्षेत्र में अगर मानव वाला विकास करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है, खाली नौकरी पाए के माध्यम न हो है शिक्षा हर, लेकिन अच्छा से
व्यापार करना है, अच्छा से खेतीबाड़ी करना है, अच्छा से नेतागिरी भी करना है, अच्छा से समाज सेवा भी करना है, तो सबके लिए शिक्षा चाहिए, चाहिए कि नहीं? तो इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और जो शिक्षित मन के जीवन बीते और एक अनपढ़ के जीवन बीते, दोनों के जीवन में फर्क रहते कि नहीं? रहते ना, जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति के जीवन में और एक अनपढ़ व्यक्ति के जीवन में बहुत फर्क हो जाते। इसलिए मानव के जीवन में शिक्षा के बड़ा महत्व है। और ये शिक्षा ला हमन छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ाए बर तरह तरह के उपाय करत हन। हमर जो मंत्री हैं वो भी बताई ने, आज नई शिक्षा नीति 2020 हमन लागू करे हन। हमर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो 140 करोड़ भारतवासी ला अपन परिवार मानते हैं और जीवन के लिए रात और दिन विकास पर चिंता करते रहते हैं, रात और दिन, और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास एला मूल मंत्र मानते हुए काम करते हैं, आप सब ला मालूम है। और वो नया शिक्षा नीति लागू करी ने हमारे देश में, तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य भी नया शिक्षा नीति लागू करी से। और ये नया शिक्षा नीति में अब शिक्षा के साथ साथ रोजगार के भी ध्यान दिए जाही, ताकि मतलब हमर बेटा बेटी बन पढ़ लिख के खाली ओमन के ध्यान नौकरी में मत जाए, बल्कि पढ़ लिख के ओमन के ध्यान रोजगार धंधा में भी जाए। ये हमारे नया शिक्षा नीति में हमारे प्रधानमंत्री जी ये व्यवस्था करी ने, तो हमने कर लिए तरह तरह के प्रयास करा था नया शिक्षा नीति लागू करके। और एक पीएम श्री योजना भी हमारे प्रधानमंत्री जी ये देश में लागू करी ने। पीएम श्री योजना में अभी हमारे छत्तीसगढ़ के 211 स्कूल शामिल है, आगे और भी स्कूल शामिल हो ही, ओकर लिए हमन आग्रह करे हन भारत सरकार से।